जय जिनेन्द्र। नमन करते जिन्हें सुरपति नर असुरपति भक्तगण, मैं भी उन्हीं सर्वज्ञ जिनके चरण में करता नमन, चरण में करता नमन। हे तुपत त्यागी मल्लिजन मन मल्लिका मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। आसन बिना आसन जमा गिरनारे पर घन शान तन, सदबोध पाया आपने जग को बताया निजिन। स्वाधीन है प्रत्येक जन स्वाधीन है प्रत्येक कन, पर द्रव्य से है पृथक पर हर द्रव्य अपने में मगन, पर द्रव्य से है पृथक पर हर द्रव्य अपने में मगन। तुम्हें हो अचेलक पार्श्व प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है अणु अणु स्वयं में लीन है, करता न धरता कोई है अणु अणु स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन है। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। रुचि पाटिल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वानुभूति जैन, प्रैक्टिकल जैनिज्म के अंतर्गत जो परमागम ऑनर्स कोर्स चलता है उसकी ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये कोर्स के बारे में शुरुआत में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि इसकी विषय वस्तु क्या है, कैसे चलता है। हमारे 20 बैचेस पिछले 2 साल से चल रहे हैं परमागम ऑनर्स के। आप सभी वैसे तो जानते ही होंगे कि भारत में जयपुर में पंडित डोरेमल स्मारक ट्रस्ट में शास्त्री की पढ़ाई होती है जो पूरे 5 साल की होती है, और जिसमें आद्योपान बिल्कुल बेसिक से स्ट्रक्चर तरीके से 5 साल में विद्यार्थियों को जैन दर्शन का विशेषज्ञ बनाया जाता है। जो भी जीव जैन दर्शन के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं उनके लिए आइडियल है कि वो शास्त्री का पूरा कोर्स करें, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो 5 साल नहीं दे सकते, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो समय दे सकते हैं लेकिन स्थान पर नहीं आ सकते, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके और भी जो बाकी जिम्मेदारियां हैं उनके रहते हुए वो पूरा समय नहीं दे सकते। तो उन सभी के लिए डोरेमल स्मारक ट्रस्ट में कुछ वर्ष पूर्व एक मुक्त विद्यापीठ का कोर्स शुरू किया गया था
जहाँ पे कि जो भी धर्म का अध्ययन है, जो भी पुस्तकें शास्त्री कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, जो शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, उनको उस कोर्स में रखकर 5 साल में विशारद के नाम से ये कोर्स चलता था या चलता है भी अभी, उसमें पढ़ाया जाता था। इसमें सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हमें ऐसा लगा कि इतने विद्वान जो हमें आज उपलब्ध हो चुके हैं, शास्त्रीय विद्वान देश में हर कोने में, विदेशों में भी, तो क्यों नहीं उन लोगों को जब ये कोर्स कराने की आवश्यकता, कोर्स करने का मन हो, तो उसमें हम कहें कि ये विद्वान उनको कक्षाबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। देशना लब्धि में गुरु का जो महत्व है, इससे तो हम कभी इनकार कर नहीं सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी से जितनी विषय की स्पष्टता हो सकती है, वो स्पष्टता कक्षा के माध्यम से बहुत अधिक होती है। इसलिए परमाधम ऑनर्स कोर्स जो हम चला रहे हैं, इसमें हम जहाँ भी 20 से अधिक विद्यार्थी होते हैं, वहाँ पर तो वहाँ के जो लोकल विद्वान हैं, हमारे शास्त्रीय विद्वान हैं, उनको ही पढ़ाने की तरह अध्यापक नियोजित किया जाता है और वहीं क्लास लगवाई जाती है। पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे की क्लास होती है। वीकेंड पे शाम को जो समय उनको अनुकूल हो वहीं डिसाइड करके एक हफ्ते में मात्र 2 घंटे उनको देने होते हैं, जहाँ पे अध्यापक उनको क्रमबद्ध तरीके से ये बात पूरा जो हमारा कोर्स है वो पढ़ाता है। ऐसे 10 सेमेस्टर्स 5 साल में, हर 6 महीने में एक सेमेस्टर और उस सेमेस्टर का एग्जाम, फिर 6 महीने में दूसरा सेमेस्टर, फिर उसका परीक्षा, ऐसे कर करके 5 साल का ये कोर्स चलता है। शुरुआत हम करते हैं वीतराग विज्ञान, तत्व ज्ञान, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, धर्म के 10 लक्षण, ऐसे हमारी बेसिक पुस्तकों से, और जाकर ये समयसार गुम्मट सारादि ग्रंथ तक पूरा आद्योपांत विषय चलता है। हमारा लक्ष्य इस कोर्स का ये है कि 5 साल में जो भी व्यक्ति इस कोर्स को पूरा करेगा, वो अपने जीवन में कोई भी ग्रंथ के स्वाध्याय करने के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहे, यानी कि वो स्वाधीनता पूर्वक इन शास्त्रों का अध्ययन कर सके और फिर उनका अध्ययन करके स्वयं समझ सके बिना किसी की सहायता के, और फिर आवश्यकता पड़े तो चर्चा करे और जो करना है वो करे। तो इस उद्देश्य के साथ ये कोर्स चलाया जा रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे 1000 से ज़्यादा अधिक लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया, 800 से अधिक लोग इसमें अभी पढ़ रहे हैं नियमित तरीके से, और सभी परीक्षा भी देते हैं। एक जो बहुत ही खास बात इन परीक्षाओं में और होती है वो ये है कि हम उनको असाइनमेंट्स देते हैं, जिसमें कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो सिद्धांत पढ़ रहे हो उन सिद्धांतों को कैसे अप्लाई करोगे, वो आपको एक प्रोजेक्ट की तरह तैयार करके 5 मिनट में आके बताना होता है, और उसके लिए आप 1 महीना लो, आप तैयारी करो, आपके जीवन में जो आप सिचुएशन फेस करो उस पर इस चीज को घटाओ और फिर उसको आके सब लोगों को बताओ। तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि हमें ऐसे रिव्यूज मिले लोगों के कि पहले हम इस तरीके से सोचते नहीं थे, निमित्त उपादान तो पढ़ लेते थे पर उस निमित्त उपादान को कब किस सिचुएशन पे कितना घटाना है ये हम नहीं सोचते थे, पर आपने हमको ऐसे असाइनमेंट देके ऐसी आदत डाल दी, और मुझे तो एक विषय मिलता है लेकिन बाकी विद्यार्थियों को जो विषय मिलते हैं उसके बारे में वो कहते हैं, तो बाकी सुनने वाले लोगों की भी नजरें खुलती हैं कि अच्छा मैं भी तो अप्लाई कर सकता था। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये हमारा फोकस होता है सारे जैन दर्शन के विषयों को समझाने के साथ साथ। इसी से आज का हमारा विषय शुरुआत होती है। आज का हमारा जो विषय है वो है जैनिज्म द प्रैक्टिकल वे, यानी कि जैन धर्म का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमको उस पर यहाँ पे फोकस करना है। इसमें हमने 5 विषय रखे हैं, 5 वक्ता हैं, क्रमबद्ध तरीके से ये विषय आगे बढ़ेगा। हर एस्पेक्ट का, हर विषय का, विषय को मात्र समझाना प्रयोजन नहीं है, वो विषय को प्रैक्टिकल रूप से हम कैसे अपने जीवन में अपनाएं और कैसे वो प्रैक्टिकल है ये बात समझें, ये आज के टोटल 3 घंटे का हमारा विषय है। तो इसके ऊपर फोकस करके जो सबसे प्रथम हमारा विषय है, जिसका नाम है प्रैक्टिकल जैनिज्म अनुयोगों की अपेक्षा, इस विषय के ऊपर शुरू के 20-25 मिनट मैं लूंगी और फिर हम एक एक करके वक्ताओं को जाएंगे। तो आज का जो पहला विषय है
प्रैक्टिकल जैनिज्म अनुयोगों की अपेक्षा। ये तो आप सब जानते ही हैं कि चार अनुयोग क्या होते हैं, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। जितने लोग दुनिया में मेरी ये बात सुन रहे हैं और उनको इन अनुयोगों के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारा परमागम ऑनर्स कोर्स ज्वाइन करिए और पहले ही साल में आपको ये वितरण विज्ञान के पाठमालाओं के माध्यम से सिखाया जाएगा। बाकी लोगों के लिए यदि मैं ब्रीफ में बताऊं तो ये बहुत ही सिंपल है। जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे महापुरुषों की कथाएं हैं, ये सब प्रथमानुयोग में आती हैं। जो भी आचरण संबंधी कथन है, यानी कि क्या खाना, कैसे रहना, क्या व्रत, क्या नियम, कब क्या करना नहीं करना, ये सारा जो वर्णन है आचरण संबंधी, हाउ यू बिहेव, हाउ यू एक्ट इन लाइफ, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ये चरणानुयोग में आता है। कर्णानुयोग बताता है कि टोटल इस दुनिया में जीव किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ऐसे मागना स्थान के द्वारा समझाता है, उनके श्रद्धान और कषाय की अपेक्षा उनके कितने भेद हो सकते हैं भावों के, ये गुणस्थान की अपेक्षा समझाता है। तीन लोक का वर्णन करता है, हाँ, जो आपने जम्बूद्वीप के बारे में सुना होगा, मध्य लोक के बारे में सुना होगा, ये सारा जो विषय है, ये सब नरक, स्वर्ग, मनुष्य, त्रियांश, ये सब कर्णानुयोग ही तो बताता है। और द्रव्यानुयोग, जिसे हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, जिसे हम आत्मा के परमात्मा बनने की विधि के बारे में बात करते हैं, ये द्रव्यानुयोग है। ये समझाना मेरा आज का विषय नहीं है। मेरा ये समझाना विषय है कि ये चार अनुयोग ये प्रैक्टिकली कैसे मुझे रिलेट करते हैं। कितने ही लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि किससे कहानी पढ़ने से धर्म हो जाएगा, तो मुझ में, जैनी में और कोई जो महाभारत का पाठ करता है, रामायण का पाठ करता है, उसमें क्या फर्क रह गया? धर्म के नाम पे सिर्फ पाठ ही तो करना है मुझे। पद्म पुराण का, हरिवंश पुराण का पाठ कर लूंगा और धर्म हो जाएगा किससे कहानियां सुनते सुनते? कुछ लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि बस ये खाएं, ये नहीं खाएं, यही है ना तुम्हारा जैन धर्म, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात में नहीं खाना, ये है आपका जैन धर्म। हमें तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, कुछ नहीं करें हम तो, ये बताना चाहते हो आप हमको, क्या करें ये पढ़ के हम? कर्णानुयोग के विषय में कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि कितनी चीटियां हैं और कितने निगोदियां हैं और कितने नारकी हैं और कितने जीव विग्रह गति में रहते हैं एक समय में, ये जान के मैं क्या करूंगा, गिनती करती रहूं, इनका कैलकुलेशंस करता रहूं मैं, इससे फायदा क्या होगा? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इनको पढ़ के मुझे क्या फायदा हो रहा है, धर्म कैसे हो रहा है, मैं सुखी कैसे हो रहा हूं, ये हमारा विषय है। द्रव्यानुयोग के संबंध में लोगों को प्रश्न होते हैं, ये पढ़ते पढ़ते हमारा मोक्ष हो जाएगा, आपका समय सार रट लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, तो यही धर्म है, करना कुछ नहीं पड़ेगा हमें, बैठे बैठे हो जाता है काम, दिमाग में बस ध्यान करते रहे, सोचते रहे, विचार करते रहे, और ताकि आपकी भाषा में तत्व विचार, तत्व निर्णय, इससे हो जाएगा हमारा कल्याण। तो इस प्रकार के जो लोगों के प्रश्न आते हैं उनको प्रैक्टिकली मैं कैसे अप्लाई करूं, ये समझाने के लिए मेरा आज का ये विषय है। मैं कहानी की तरह इस चीज को समझाना चाहूंगी कि शुरुआत करते हैं कि प्रैक्टिकली, राइट, प्रैक्टिकली यानी कि जिसको मैं अपने जीवन से रिलेट कर सकता हूं, जिसको मैं जीवन में एक्सपीरियंस कर सकता हूं। धर्म ये जो एक शब्द है, इसका जीवन से क्या लेना देना? दुनिया का जो व्यक्ति धार्मिक है या धर्म के नाम पे कुछ करना चाहता है, वो धर्म क्यों करना चाहता है? बहुत सामान्य सा उत्तर होगा, सुख। हमारे पिछले वर्कशॉप का भी ये सब्जेक्ट था, सुख, सुख प्राप्ति के लिए धर्म करता है ना। किसी भी धर्म के जीव को ले लेना इस पूरी दुनिया में, जिसके जीवन में धर्म के नाम पे कोई भी क्रिया या कोई भी कार्यकलाप है, तो वो एक सुख प्राप्ति के लिए है। नाउ आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल, आपको सुखी होना है तो आपको ये धर्म करना है। अगर सुखी होना है तो हमने इतनी सी बात समझाने की कोशिश करी कि भाई सुखी कौन होगा पहले ये तो समझना पड़ेगा, तब तो तू उसे सुखी कर सकता है। तो वो तू स्वयं एक जीव तत्व है, ये समझाने के लिए मुझे जीव समझाना पड़ा।
जब मैंने जीव समझाया कि तू अपनी सत्ता को नहीं जान पाएगा तो अपने आप को सुखी कैसे करेगा, तो वो बोले कि क्या एकमात्र मेरी सत्ता है इस दुनिया में, ये सब लोग जो दूसरे नजर आते हैं वो कौन है? तो मुझे समझाना पड़ा कि भाई ये सब पुद्गल हैं जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। इस दुनिया में तुम्हें जो कुछ नजर आता है, जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो चखते हो, जो छू के जानते हो, ये सब पुद्गल है। तो प्रश्न आया कि मतलब हम दोनों ही हैं बस दुनिया में, एक जीव और एक पुद्गल, और तो कुछ नहीं है ना, और तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। कि नहीं, हमने सिद्ध किया कि धर्म अधर्म आकाश काल की सत्ता भी है। ऐसे मुझे छह द्रव्य समझना प्रैक्टिकली जरूरी हो गया, ये जानने के लिए नहीं कि किसके कितने प्रदेश कहां कितने हैं क्यों हैं, ये जानने के लिए कि मेरी पोजीशन एक्चुअली में इस पूरे विश्व में कहां है, कैसी है और कितनी है, और मेरा अस्तित्व कहां तक है। सारे संसार के जीव सुखी होंगे तब मैं सुखी होऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक परम ब्रह्म का एक अंश नहीं हूं। मैं जो हूं मेरी एक स्वतंत्र सत्ता है। मेरा मोक्ष हो सकता है और बाकी जीव निगोच चले जाएं, ऐसा हो सकता है, वो नरक में रहें, संसार में रहें, भटकते रहें, ऐसा हो सकता है। यानी कि मेरा स्कोप डिसाइड हुआ छह द्रव्यों को जानने के बाद कि एक्चुअली में कल्याण किसका होगा, कैसे होगा। वो स्कोप भी इतना ब्रॉड था क्योंकि उसमें पूरी जीव जाति आ गई, तो उनको सात तत्व के माध्यम से समझाना पड़ा कि भैया बात हमारी हो रही है, मेरी नजर से दुनिया देखो तो सात तत्व हैं, एक तरफ मैं जीव और एक तरफ सारी दुनिया, सारे जीव और सारे भगवान मिलाकर भी, जिसको मैं अजीब की कैटेगरी में डालता हूं। और मेरा मोक्ष होगा तो कैसे होगा कि बाकी के सारे तत्व इसकी व्याख्या में आ जाते हैं। अब हम बात करें कि भाई ये सब जो बात कर रहे हो, तुम्हारे कहने से मान लें कि नहीं, न्याय से जानना पड़ेगा, तर्क समझना पड़ेगा, तर्क शास्त्र के बिना, अपनी बुद्धि लगाए बिना कौन से तर्क सही है, कौन से तर्कों में दोष है, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो न्याय शास्त्र आ गया। तो हम कहेंगे कि दुनिया में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कैसे? कि आपको निमित्त उपादान समझना पड़ेगा, कि आपको अनेकांशवाद समझना पड़ेगा, कि आपको अकर्तावाद समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सिद्धांत मेरे भेद विज्ञान के धरातल पे ही खड़े होते हैं। और क्या है द्रव्यानुयोग? छह द्रव्य, सात तत्व, न्याय, सिद्धांत, यही तो है द्रव्यानुयोग, भेद विज्ञान की बात। द्रव्यानुयोग प्रैक्टिकल नहीं है तो और क्या प्रैक्टिकल है जो संसार से मोक्ष की बात करे? ये सिर्फ पढ़ने पढ़ने की बात करते हो आप। हमने तो नहीं कहा कि सिर्फ पढ़ने से कार्य हो जाएगा, क्योंकि विकल्पात्मक अवस्था में निर्विकल्प अवस्था नहीं होती, और निर्विकल्प अवस्था के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, और सम्यक चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता। काम तो बहुत है, हमारी समझ में प्रॉब्लम है। अब कोई कहेगा कि ठीक है, तुम्हारा द्रव्यानुयोग तो समझ में आया कि ये तो बहुत जरूरी है पढ़ना, बाकी के अनुयोगों की बात बताओ आप हमको, किससे कहानी कहां से आ गए इसमें, उसमें क्या प्रैक्टिकल है, कौन क्या कर गया, कौन मर गया, कौन जी गया, कौन मोक्ष चला गया, कौन निगोच चला गया, इसको जान के मैं क्या करूं? वहां भी हमारा लॉजिक है। हमारा लॉजिक ये है कि जब तुमने द्रव्यानुयोग से इतनी बातें पढ़ी और समझी तो हमारे मन में इतने क्वेश्चंस खड़े होते हैं कई बार कि एक वितरागता का मार्ग और एक ये संसार मार्ग, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं एक व्यक्ति के जीवन में? इतनी राग की तीव्रता और इतनी उसके साथ ही अनंतानुबंधी का अभाव, जो हम बहुत सारे केसेस में पढ़ते हैं द्रव्यानुयोग में कि संभव है, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो कैसे संभव होता है? तो प्रथमानुयोग हमें एग्जाम्पल्स देता है कि ऐसे संभव होता है। कैसे? भरत चक्रवर्ती भी होता है और सर्वार सिद्धि के देव भी होते हैं, जिनकी एक अवस्था पर्याय की अलग होती है और एक अवस्था उनके श्रद्धान की अलग होती है, चारित्र अलग है, श्रद्धान अलग है। तो ये सब मैं कैसे जानूंगा यदि मैं पुराण नहीं पढ़ूंगा, प्रथमानुयोग नहीं पढ़ूंगा, तो मुझे रियल एग्जाम्पल्स कैसे मिलेंगे? ये सब तो कल्पना लगेगी। हम में से कई लोग इतने दुखी होते हैं, मैं ऐसा पापी, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मैंने तो क्या क्या नहीं किया, मैं इतना मंद बुद्धि, मुझे तो आप जो बात कहते हो वो भी दूसरा सेंटेंस कहते हो तब तक पहला भूल जाता हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? फिर प्रथमानुयोग आ जाता है। कैसे? कि जब शेर भगवान बन सकता है, जब हाथी भगवान बन सकता है, तो तुम उनसे ज्यादा दैवीते तो नहीं हो,
इसलिए प्रथमानुयोग पढ़ना। यदि एक शिव रूपी मुनि को सम्यक दर्शन हो सकता है तो उनका एक वो भावलिंगी संत हो सकते हैं, उनकी मुक्ति हो सकती है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? उनसे ज्यादा मंदबुद्धि तो नहीं हो। तो प्रथमानुयोग मात्र आप किस्से कहानी की तरह पढ़कर यदि खीखी ठीठी करके निकल जाओगे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं है। वो दृष्टि होनी चाहिए कि उसमें से मैं सही बात को पकड़कर उसको अप्लाई करूं, वो बैलेंस समझूं कि मेरे जीवन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। तो प्रथमानुयोग में मोक्षनाथ प्रकाशक में बहुत ही बैलेंस्ड वर्णन किस तरीके से समझना आठवें अधिकार में आया है, किस बात को किस तरीके से लेना। दादा भी कई बार ये उदाहरण दिया करते हैं कि उनके जमाने में तो बच्चों को जो घर के नाना नानी दादा दादी हैं वो पुराणों की किस्से कहानी सुना सुना कर बड़ा करते थे, तो उनको तो कभी 8-10 साल के होने पर ये प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ कि आत्मा भी अजर अमर हो सकती है कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जा सकती है, क्योंकि उनको तो मिश्री के बीच में कहानियां सुन सुन के ये बात मन में समा गई थी कि आत्मा एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाती है, पुण्य का फल अच्छी गति मिलता है, पाप का फल बुरी गति मिलता है। हमको तो यही बात आजकल के 8-10 साल के बच्चों को समझाने में पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें आज तक बात समझाई ही नहीं। उनने तो सिंड्रेला की कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं, तो उनको तो बस हैप्पीली एवर आफ्टर लव के बाद नजर आता है कि शादी हो गई, काम खत्म हो गया, जीवन की शुरुआत हुई कि पैदा हुआ और जीवन का अंत हो गया वहीं पे। तो उनको तो ये समझाना बहुत मुश्किल है कि वो जीव अनादिकाल से अनंत काल तक रहता है। सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, सिर्फ मिथ्या दृष्टियों की बात भी नहीं है। आठवें अधिकार में पंडित जी ने चारों ही अनुयोगों का सम्यक दृष्टि को क्या क्या फायदा हो सकता है और मिथ्या दृष्टि को क्या क्या फायदा हो सकता है, दोनों प्रकार से वर्णन किया है। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि इसको मैंने जब मैं अबोध था कि मेरे को रुचि नहीं थी धर्म में मात्र तब पढ़ूं। जब भी पढ़ो तो प्रेरणा लेने के लिए, उदाहरण देखने के लिए वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इसके बाद आता है प्रश्न कि भाई इन लोगों की अवस्था फिर भी कंफ्यूजिंग है। जब आपने बात करी कि भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे, चायक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी उनके ऐसे भोग दिखे, तो हमें तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये एक्चुअली में ये सब जो हो रहा है उनके साथ उसका कारण क्या है? तो कर्मानुयोग आ जाता है कि कैसे कर्म बनते हैं, उसकी कैसी प्रकृतियां होती है, उनकी क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, ये जानना जरूरी है ना। कर्मानुयोग के मामले में जो लोगों को इतने प्रश्न आते हैं कई बार कि हम क्या करें गिन के ये सारी दुनिया भर के अकाउंट्स को कि कौन कितना था, कहां था, कैसे रहा, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, दिमाग हिल गया हमारा तो पढ़ पढ़ के। आप जानते हैं कर्मानुयोग से जितनी वैराग्य की प्रेरणा मिल सकती है यदि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तो उतनी प्रेरणा आपको अन्य किसी अनुयोग से नहीं मिल सकती। आपको मैं एक दो उदाहरण बताती हूँ इसके जो मेरे को स्वयं को बहुत प्रभावित किए थे। हमने पढ़ा पहले तो कि विग्रह गति में एक समय में कितने जीव मिनिमम और मैक्सिमम रहते हैं, इसकी संख्या लिखी हुई है गोमट सार में। आप लोगों ने भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना। एक समय में विग्रह गति में टोटल संसार में कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम जीव होते हैं उसकी संख्या पकड़ ली। कितनी लंबी होती है विग्रह गति? एक समय, दो समय, तीन समय, उससे ज्यादा तो नहीं होती ना। उसकी संख्या पकड़ ली, गुंजाइश कहाँ है हिलने की? सोचा कभी कितने मनुष्य होंगे, कितने तिर्यंच होंगे, कितने देव, कितने नरक में भी जगह नहीं है खाली। एक जाता है तो एक आता है, एक एक संख्या नक्की है। ये जान के हमें ये भाव आता है कि क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होता है कि नहीं होता है। जब सारी दुनिया में कौन सा गेय ज्ञान किस गेय को जानेगा ये नक्की है, एक एक समय मेरा हाथ हिलेगा नहीं हिलेगा नक्की है, तो बचा क्या? तो उस बात से हमें क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान और पक्का होता है, उस बात से हमें सर्वज्ञता की महिमा आती है। और मैं आपको एक और उदाहरण दूं कि उसमें यह आता है कि यदि एक बार जो शटलेशिया है ना अपनी, उसमें शुक्लेशिया से च्युत होकर जीव मैक्सिमम कितने काल के बाद वापस शुक्लेशिया में आएगा, वो मैक्सिमम पीरियड कितना है,
ख्याल आया ना आपको पॉइंट? समझो मैं, मेरे परिणाम अपने तो समझो इतने उत्कृष्ट है ही नहीं, फिर भी हम अपने आप को बहुत महान धर्मात्मा, भद्र जीव, मेरा तो मोक्ष निकट होएगा इसीलिए मेरे परिणाम इतने कोमल हैं, इतनी दया है मेरे जीवन में, ऐसा सोचते हैं ना हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। वी थिंक वी आर लाइक टू गुड, क्योंकि इतने पापी जीव नजर आते हैं और हमारे तो भाव ही इतने कोमल हैं। शुक्लेशिया तक पहुंच जाए जीव, शुक्लेशिया तक, उत्कृष्टतम, उत्कृष्टतम में भी लिमिट है, मिथ्या दृष्टि की कितनी हो सकती है, लेकिन उसमें जो भी लिमिट है, शुक्लेशिया पे पहुंच के च्युत हुआ यानी गिरा, तो वापस शुक्लेशिया में आए, उसके बीच में असंख्यात पुद्गल परावर्तन हो सकते हैं। गोमरसार में लिखिए ये बात, आपकी रूह कांपती है या नहीं कांपती है सुनकर, इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि मैंने ये अचीव कर लिया कि मेरे परिणाम इतने शांत हो गए, यानी कि मेरा काम हो गया, अब तो मेरा मोक्ष होने वाला है। अरे हम उनकी बात कर रहे हैं जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक और रहेंगे इस संसार में। गिरता है तो ऐसा गिरता है, हाँ ये जरूर गारंटी है कि अनंतानुबंधी यदि एक बार छूट गया तो कितना ही भ्रष्ट हो जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा इस संसार में नहीं रहेगा। अब बोलो किसकी कीमत है? शुक्लेशिया की कीमत है अपने परिणामों की, ऊंच नीच की, या अनंतानुबंधी कषाय की, मिथ्यात्व की? बड़ा अपराध कौन जो अर्धपुद्गल परावर्तन में तार दे, उसके लिए मुझे पहले फोकस करना, या फिर जो मुझे मोमेंट्री एक अच्छी गति दे दे उसके लिए मुझे फोकस करना? ये सारी बातें, कितना दुर्लभ है मनुष्य भव, जब सारी गिनती बताई उनने सारे जीवों की, तो हमें पता चला कि भैया मनुष्य भव मिलना तो ऐसा लग रहा है जैसे मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। ये काकतालीय न्याय वगैरह तो बहुत बहुत स्थूल उदाहरण है, सच्ची में देखा जाए अगर परसेंटेज के हिसाब से तो कितना दुर्लभ है मनुष्य भव मिलना। तो ये कौन बताता है? ये कर्णानुयोग बताता है। जब हमारी मति भ्रष्ट हो, जब हमारे परिणाम गिरे, जब हमें लगे कि हमारा, हमारी दृष्टि कहीं गलत जगह पे जा रही है, सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है, तो कर्णानुयोग का स्वाध्याय हमें वापस उस डायरेक्शन में लेके आ सकता है। आप कहते हो कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप कहते हो गुमटसार प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बातें लिखी होंगी उनको घटाना कैसे? प्रैक्टिकल तो उसे कहते हैं, मेरे को वो घटाना नहीं आता तो मुझे लगता है कि ये सारी व्यर्थ की बातें हैं। चनानियोग की भी बात कर लेते हैं अपन। चनानियोग में वो कहते हैं कि ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये करो, वो नहीं करो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अष्टमी चतुर्दशी को हमारे यहां उपवास का विधान है ना, एकासन उपवास जो भी करो, अष्टमी चतुर्दशी को ये क्यों है? एकादशी, दशमी, कोई और दिन क्यों नहीं है? देखो मुझे तो ये बात थोड़े समय पहले पता चली कि न्यूज़पेपर में आया था, साइंटिस्ट लोगों ने निकाला कि एक मून डाइट होती है। आप लोगों ने किसी से सुन रखी है तो हाथ ऊपर करे। नहीं, मून डाइट पता है क्या होती है? वो कहते हैं कि जो अपने अष्टमी चतुर्दशी को होती है ना, मतलब मून की एक सर्टेन अवस्था जब हो, तब यदि आप उपवास रखो या एकासन रखो तो बॉडी में वाटर कंटेंट हाई होता है, उस जैसे होता है ना आपका ये चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा, ऐसे चंद्रमा की वजह से बॉडी का वाटर लेवल भी कम ज्यादा होता है, ज्वार भाटा होता है हमारे शरीर में मून की वजह से। यदि आपने निर्जल उपवास किया तो आपके शरीर को पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है उस दिन। अब बोलो, और डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं वो, कि उस दिन अगर आपने उपवास रखा है तो आपकी डिटॉक्सिफाई हो जाती है बॉडी उससे, यानी कि आप स्वस्थ रहते हो। अब आप बात नहीं समझे, ये साइंटिस्ट तो आज कुछ मालूम करेंगे, कल कुछ मालूम करेंगे, परसों कुछ मालूम करेंगे और कहेंगे हम बहुत प्रैक्टिकल हैं। हमारे पास साइंटिस्टों के बाप, यानी हमारे पास जिसने ये सारी बात बताई प्रत्यक्ष जानकर, ऐसे स्वयं केवली भगवान थे, उन आपको लगता है कि उनने इन प्रैक्टिकल बातें बताई होंगी हमको? उनको नहीं पता होगी मून डाइट के बारे में, उनको नहीं पता होगा अष्टमी चतुर्दशी की खासियत के बारे में। यानी कि जैन दर्शन के अनुसार जितना आचरण बताया है चरणानुयोग में, वो बहुत ही प्राकृतिक रूप से लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, आपके स्वस्थ, सुखी और खुश जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं बैठ के,
बिना पानी के कैसे चलेगा आदमी को? पता था ना, उन्हें पता था ना कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कि कितना चलेगा, कि कितना अच्छा है कि कितना बुरा है। हमारे यहाँ रस परीते आपको ज्यादा महान माना है। क्यों माना? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे शरीर से तत्व कटे, वो चाहते थे कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी कषाएं कटे। चरणा में योग प्रैक्टिकल नहीं है, इसे प्रैक्टिकल नहीं कहते। जिसको सब पता है वो बता रहा है कि किस तरीके से कहो। उनने ये तो नहीं बोला ना कि अहिंसा का पालन करने के लिए खाना आजीवन त्याग के अभी समाधि मरण ले लो, क्योंकि जो भी खाओगे किसी को तो कष्ट पहुंचेगा, ये तो नहीं कहा ना। मतलब अहिंसा का भी लेवल किया ना, जब अनुव्रत बताए महाव्रत बताए तो भी इम्प्रैक्टिकल नहीं बताए। एक जगह ऐसा नहीं लिखा है जहां बोला हो कि खींच तान के, मन मार के, आकुलता करके, दिमाग खराब करके, कषाय करके, बीमार पड़ के भी तुमको ये आचरण का पालन करना चाहिए। बताओ कहां लिखा है? हमारा तो इनसाइड आउट धर्म है। जब वीतरागता की वृद्धि होगी और इतनी होगी कि स्वयं आपको वो चीज में रस खत्म हो जाए तो वो वस्तु आपकी छूट जाती है, तो आप प्रतिज्ञा भी ले लेते हो कि मुझे ये आगे नहीं करना। यहां तक कि हमारे तो ये भी लिखा है कि यदि कोई अनुव्रती हो, पंचम गुणस्थान व्रती, और उसको लगे कि मेरे परिणाम भ्रष्ट हो रहे हैं तो वो क्या करेगा? आपके अनुसार क्या करना चाहिए? प्रायश्चित लेगा? क्या करेगा आपके अनुसार? परिणाम बिगड़ रहे हैं और प्रतिज्ञाएं लेगा और अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा, क्या करेगा? ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वो अपने अंतरंग के परिणामों को और कैसे संभालेगा, कि कषाय को मंद करने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपनी वीतरागता की वृद्धि करने के लिए आत्मलीनता बढ़ाएगा। आत्मलीनता बढ़ाने का पुरुषार्थ करेगा, परिणाम बिगड़ेंगे तो, और बाहर में जाके कार्य फिर वो तो जो होगा वो हो जाएगा, वो सब वो करेगा नहीं। यानी कि इस लेवल का प्रैक्टिकल है हमारा चरणानुयोग भी। अब जो सबसे मुख्य बात इस विषय में आती है, चारों अनुयोग की हमने बात करी, चारों अनुयोग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करी, लेकिन इसमें भी आटे का और नमक का हिसाब है कि एक है जो सपोर्टिंग है, एक इकोसिस्टम बनाता है। आप जानते हैं इकोसिस्टम शब्द का अर्थ? आजकल ये बहुत प्रचलित शब्द है जो ये बताता है कि कोई एक कार्य करना है तो एक पूरा वातावरण, एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके वो कार्य होता है। तो ये चार अनुयोग का हमारा एक इकोसिस्टम है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है शब्द का अर्थ, वो गूगल कर लेना। ये इकोसिस्टम है चार अनुयोग का। मूल जो कार्य मुझे करना है वो है आत्मकल्याण। उसकी जो मेन बात आई है वो आई है द्रव्यानुयोग में। द्रव्यानुयोग में भी वो बात आई है भेद विज्ञान के संबंधित जो भी कथन है मात्र उसमें। अब उस चीज को समझने के लिए जहां तक मैं 70% तो वो ही करता हूं, यानी कि उसी भावना को भाता हूं, उसी भावना को नचाता हूं, उसे ही पढ़ता हूं, नित्य उसी का स्वाध्याय करता हूं, उसी का विचार करता हूं, उसी की चर्चा करता हूं, और उसके साथ में उसकी दृष्टि से मैं अगर 5% प्रथमानुयोग पढ़ूं, उसकी दृष्टि से मैं दूसरे 5% करणानुयोग पढ़ूं, उसकी दृष्टि से मैं दूसरे 5 या 10% चरणानुयोग पढ़ूं, ऐसे 20% तक, 20% से 30% तक यदि बाकी के अनुयोगों का स्वाध्याय हो, और 60 से 70 से 80% तक यदि द्रव्यानुयोग के भी मूल विषय का स्वाध्याय हो, तो सारे अनुयोगों का कथन वीतरागता की वृद्धि करने में पूर्ण रूप से सहायक होता है और हमें सही दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें हम हर अनुयोग का जो रेलिवेंट कथन है उसको अपने आत्मकल्याण की दृष्टि से समझने में समर्थ होते हैं। इसलिए जिन लोगों का ये कहना है कि हम तो बस समयसार पढ़ेंगे, हमें और कुछ पढ़ना ही नहीं है, निश्चयाभासी होने का खतरा है भाई। जिनका ये कहना है कि हम तो मात्र करणानुयोग पढ़ेंगे क्योंकि हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, वहां भी बहुत खतरा है भाई। क्योंकि जिस भी विद्या का अभ्यास छूट जाता है वो विद्या भूलने का डर रहता है। तो इसलिए छोड़ने का आपको सिर्फ हक तब है, आप सिर्फ तब अलाउड हो छोड़ने के लिए द्रव्यानुयोग का अध्ययन, जब आप केवली बन जाए। क्योंकि ये स्वाध्याय तो हमारे मुनिराज भी करते हैं। अपने परिणामों को संभालने के लिए अमृतचंद्राचार्य ने भी समय सार की टीका लिखी, ऐसा स्वयं बताया।
तो इसलिए ये ऐसा कार्य है जो आत्मलीनता के अनुरूप जो भी स्वाध्याय है उसका जो कार्य है, द्रव्याणियों का स्वाध्याय का कार्य है, वो शुरू से लेके अंत तक चलेगा ही चलेगा। 70-80% उसकी मुख्यता से चलेगा, लेकिन बाकी के अनुयोग भी पूरे पूरे जरूरी है और उनका भी उतना ही महत्व है और वो इसको ऐड करते हैं, वो इसके इफेक्ट को डबल और ट्रिपल करते हैं। इसलिए उनको भी अपने अपनी सीमा में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से हमने चार अनुयोगों का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो हम कैसे अपने जीवन में अपनाएं स्वाध्याय करने के लिए, इस विषय को समझा। अब ये पहले वक्तव्य के बाद हमारा जो दूसरा वक्तव्य है, मैं उसका विषय और उसके वक्ता के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा दूसरा विषय है वस्तु प्रैक्टिकल जैनिज्म, वस्तु स्वातंत्र्य की अपेक्षा। ये जो हमारा दूसरा विषय है इसके वक्ता टोडोमल स्मारक, पंडित टोडोमल स्मारक ट्रस्ट के मैनेजर, सोल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जो भी आप नाम देना चाहें वो हैं। हमारे जो शास्त्रीय विद्वान हैं उनको वो मोक्षमार्ग प्रकाशक और न्याय दीपिका ये ग्रंथ पढ़ाते हैं। उनका स्वयं का बहुत अच्छा अध्ययन है, दोनों ही रूप में वो अपना पूरा योगदान पढ़ाने के रूप में भी और यहाँ के मैनेजमेंट के रूप में भी अपना पूरा पूरा योगदान इस विषय को देते हैं। और मुक्त विद्यापीठ के संस्थापक भी वही हैं जो भी टोडोमल स्मारक ट्रस्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो मैं आमंत्रण देना चाहूंगी पंडित पीयूष जी शास्त्री को, जो अपना अगला वक्तव्य यहाँ पे शुरू करेंगे।